कोर्ट का बड़ा फैसला, कल सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और साथ ही साथ एक बड़ी जानकारी है कि कोई सेक्रेट वोटिंग नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कल जब विधानसभा में शक्ति परीक्षण होगा तो सेक्रेट वोटिंग नहीं होगी। ये एक बड़ी जानकारी सामने आई है और 24 घंटे की मांग जो थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। कल सुबह 10:30 बजे से पूरे दिन शाम 5 बजे तक ये जो पूरा एक्सरसाइज है, पार्लियामेंट्री एक्सरसाइज है, उसको पूरा किया जाए, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। रजनीश, एक और बात स्पष्ट कर दीजिए, कौन करेगा ये फ्लोर टेस्ट? प्रोटीम स्पीकर? तो कब नियुक्त होगे प्रोटीम स्पीकर? देखिए, प्रोटेम स्पीकर को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है और अभी तक नहीं कहा जा सकता है कि ये कंडक्ट कौन कराएगा। राज्यपाल के पास ये विशेषाधिकार होता है, राज्यपाल के पास असेंबली की ओर से एक पैनल दिया जाता है और उसमें कुछ विधायकों के नाम होते हैं और राज्यपाल अपने विवेक से उनमें से किसी एक विधायक को समाचार इस विराजे के बहुमत परीक्षण लाइव प्रसारण जीवंत प्रसारण कर देश की जनता जो है कि क्या विधायक क्या नेताओं को पक्ष में। रजनीश, बिल्कुल, देखिए पहले भी हमने देखा था कर्नाटक में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का आदेश दिया था कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो। उससे पहले हमने देखा था उत्तराखंड में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तमाम विधायक जो हैं वो आमने सामने खड़े होंगे और उनके फिजिकल अपीयरेंस से वहां पर हेड काउंट किया जाएगा। तो सुरक्षा को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट नियम कड़ा करता रहा है और आज भी जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सेक्रेट वोटिंग नहीं होगी, कोई छुप के वोट नहीं करेगा, तो इसका मतलब यही है कि सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीर है और यह निर्देश दिया गया है असेंबली एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो पूरी वोटिंग के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग कराएं और एक एक चीज की जानकारी मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो विधायक चुनकर आए हैं वो भी कल ही अपना ओथ लेंगे और उसी में ये टाइम ज्यादा लगेगा, यानी कि 10:30 बजे जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाएगा। ऐसा लगता है कि जो असेंबली की ओर से जो 3 नाम भेजे जाएंगे उसमें से किसी एक नाम को राज्यपाल सैंक्शन करेंगे, अप्रूव करेंगे और वो नाम जो होंगे प्रोटेम स्पीकर वो सबसे पहले विधायकों को शपथ दिलाएंगे और उसके बाद शाम 4:30 बजे के आसपास में ऐसा लगता है, क्योंकि 5 बजे तक का डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो 15 से 20 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है फ्लोर टेस्ट कराने में, तो 4:30 बजे के आसपास में फ्लोर टेस्ट होगा, ये अभी तक तस्वीर समझ में आ रही है। प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी कुछ विवाद हो सकता है क्योंकि कर्नाटक में मई 2018 में ये देखने को मिला था कि कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ सदस्य को इग्नोर किया गया था और बीजेपी के जूनियर मेंबर को प्रोटेम स्पीकर बनाया था गवर्नर वजूभाई वाला ने और उस बात को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट आए थे कांग्रेस और जेडीएस के लोग। 5 बजे के पहले खत्म करनी है ऐसा आदेश माननीय राज्यपाल साहब को, जो शीर्ष अदालत है उन्होंने दिए हैं और यह पूरी प्रोसीजर जो है वो ट्रांसपेरेंट मैनर से होनी चाहिए ऐसा भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।